गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। बुंदेलखंड में स्ट्रॉबेरी का उत्पादन किसी चमत्कार से कम नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब एक माह चलने वाले स्ट्रॉबेरी महोत्सव का किया वर्चुअल शुभारंभ। कहा, स्ट्रॉबेरी की खेती अब बुंदेलखंड को दिलाएगी एक नई पहचान। हर जिले के उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भी हो महोत्सव आयोजित। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों में फैली भ्रांतियां हुई दूर। गोरखपुर में वैक्सीनेशन का नहीं हुआ कोई भी दुष्प्रभाव। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, कोरोना वैक्सीन पूरी तरह से है सुरक्षित। 1993 बैच के पीपीएस डॉक्टर एमपी सिंह ने सोमवार को गोरखपुर जिले के एसपी क्राइम के पद पर अपना कार्यभार किया ग्रहण। कहा, मेरा सौभाग्य है कि सीएम के गृह जनपद में मुझे अपने दायित्वों का निर्वहन करने का मिला है मौका। राजस्व परिषद के आयुक्त व सचिव मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना की समीक्षा, ड्रोन प्रौद्योगिकी के उपयोग से ग्रामीण आबादी का सर्वेक्षण कर 26 जनवरी को वितरित होने वाले प्रॉपर्टी कार्ड धरौनी की स्थिति का लिया जायजा। लूट और छिनैती की घटना में वांछित 3 अभियुक्तों को खजनी पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी साउथ ने किया खुलासा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत डीआईजी व एसएसपी ने महाराणा प्रताप बालिका इंटर कॉलेज में छात्रों को यातायात नियमों के प्रति किया जागरूक। कहा, सुरक्षित यात्रा के लिए यातायात के नियमों का करें पालन। गोला थाना की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को किया गिरफ्तार। बरामद किए लूट के मंगलसूत्र व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल एसपी साउथ ने किया खुलासा। संभागीय परिवहन विभाग के तहत राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान का बांसगांव विधायक ने किया शुभारंभ। सड़क सुरक्षा के जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, प्रचार वाहन से लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति किया जाएगा जागरूक, जिससे रोकी जा सके सड़क दुर्घटना। नवागत एसपी क्राइम एमपी सिंह की अध्यक्षता में एसजेपीयू और एएचटीयू की मासिक समीक्षा एवं समन्वय बैठक हुई संपन्न। विभिन्न बिंदुओं पर की गई चर्चा, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। गोरखपुर में सोमवार को मिले 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 31,320। अब तक 354 कोरोना संक्रमित मरीज गंवा चुके हैं अपनी जान। 140 हुए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। मंडल स्तरीय भोजपुरी लोक गायन सांस्कृतिक प्रतियोगिता का बौद्ध संग्रहालय में किया गया आयोजन। विजयी प्रतिभागी यूपी दिवस के अवसर पर देंगे अपनी प्रस्तुति। डीवीएनपीजी में राष्ट्रीय सेवा योजना के 4 इकाइयों मीराबाई, सुभाष, गोरखनाथ और महाराणा प्रताप इकाई द्वारा राष्ट्रीय युवा सप्ताह कार्यक्रम के तहत जागरूकता कार्यक्रम किया गया आयोजित। एंटी रोमियो की टीम ने बालिकाओं को अपनी सुरक्षा के लिए बताया हेल्पलाइन नंबर, सुझाए उपाय। और वेब सीरीज तांडव का शिव राष्ट्र सेना ने किया विरोध। तांडव के डायरेक्टर और राइटर का फूका पुतला।